हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। न्यू ईयर न्यू डे। कल हम लोग इतने ज़्यादा पार्टी कर ली थी, सुबह सोए हैं 6 बजे और आज शाम को उठे हैं 4 बजे। अंधेरे में सोए थे, अंधेरे में उठे हैं, पता ही नहीं चला कि एक दिन स्किप हो गया बीच में। एंड गुरुद्वारे जाने का प्लान था, बट सब लोगों ने उठ के रेडी होने में इतना टाइम लगा दिया कि गुरुद्वारा ही बंद हो गया। एंड बहुत भूख लग रही थी, अब बाहर आ गए थे तो हमने सोचा चलो फिर कुछ खा ही लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने एक प्लेस सजेस्ट करी थी, इंडियन प्लेस, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए थे। खाना बहुत ही अच्छा था, जगह का नाम है लजीज़, डंडा स्ट्रीट पे है और बहुत चीप है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर इसका खाना ट्राई करना, मस्त पेट भर के खा लोगे आप $10-12 में पर पर्सन। एंड अभी शायद हम लोग मूवी जा रहे हैं अवतार, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। एंड कल हम लोग नाइग्रा जा रहे हैं, फाइनली नाइग्रा जा रहा हूँ मैं। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली नाइग्रा जा रहे हैं। और भी हमारे साथ 2-3 लोग जा रहे हैं, आज रात को मिलेंगे उनसे, सो आई विल शो यू गाइस अराउंड। अजीब से नहीं लगता कि हम से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में बैठे हुए हैं? अजीब से इंडियन रेस्टोरेंट जैसा भी है, नहीं भी है, ये देखना रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे गौरी है, लेविन है, अलग अलग जानते भी नहीं है मेरे को, और नहीं जानती हूँ। यहाँ पे मिल गए हम और अब साथ में एक फैमिली बन गए हैं। हाँ, न्यू ईयर स्पेंड कर रहे हैं, अजीब सा लगता है मुझे कभी कभी, पता नहीं। और जनरली अपन इंडिया में कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लाइक हम लोग किसी को पूछते भी नहीं, और यहाँ अपनी कितनी आदत होती है लोगों से पूछना हाउ आर यू, अपने एकदम वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी यहाँ की। मैं लिटरली 1 तारीख को बैठ के घर पे, घर वाले बाहर नहीं जाने देते थे न्यू ईयर्स में, 1 तारीख को बैठ के घर पे टीवी शोज देखती होती थी। अवार्ड फंक्शन होते थे। आई होप सो खाना अच्छा हो यार, कल इतना टट्टी खाना खाया ना वो और इतने पैसे। हमारी चिकन वाली ग्रेवी फिर भी अच्छी थी, हमारी पनीर वाली ग्रेवी टमाटर थी, कच्चे टमाटर पड़े थे उसमें। इसको देख रहे, अकेला बंदा बिलिंग भी कर रहा है, खाना बना रहा है, सर्व भी करेगा, मैनेज भी करेगा, सब कुछ अकेले संभालता है। नहीं बट पहले में बटर चिकन मसाला जो भी आ रहे थे ना, वो भी सिंगल में आए, इतना प्यारा खाना है ना, मन कर रहा है बार बार खाने का। अच्छा, इतनी बड़ी सब्जी है उसकी, हम कम से कम 3 जने आराम से। अच्छा सब, अपने अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बताओ। हेल्दी लाइफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ बॉडी, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान। लेवन वाइन ड्रिंकिंग टॉप, पहले दिन ही पॉप पी रही हूँ। बेटर जॉब, बेटर जॉब, अपना फ्रीलांस करके स्टार्ट करना है। गौरी, गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, लाइक परेशान होने की वाली जो आदत है ना। न्यू ईयर्स न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, अपना कोर्स अच्छे से करना है, अब सीरियसली लेनी है पढ़ाई और काम। काम तो देखो जो भी हो अच्छा ही होता, मैं तो खुश हूँ। तू पहले भी तो फोकस कर ही रहा था इन सब चीज़ों में, एनीथिंग न्यू दैट यू वांट टू, एनीथिंग न्यू, खुद को खुश रखना है। नहीं, मैं खुद को खुश हूँ ना काफ़ी, और मेरे को बोल दे क्या गाड़ी नहीं, पैसे, पैसे पैसे कमाने हैं बहुत, पैसा ही पैसा हो गया। मैं सोच रहा हूँ एक दो और सोर्सेज बनाऊंगा इस साल में। एक सोर्स तो मेरी बात मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पसंद है सबको, मतलब मेरे को उड़ाने नहीं पसंद, मेरे को बस कमाने पसंद है। उड़ाने में सोचा मेरे को बस कमाने पसंद है, कमाओ और डालते जाओ, भरते जाओ अपने बैंक में, खर्च भी मत करो, मर के रहो बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि अगर पैसा कमाओ और खर्च ना करो तो फिर उस पैसे की जो एक्चुअल जो वैल्यू क्यों होते हैं पैसे, अपने मनी इज अ थिंग जिससे तुम एक्सपीरियंसेस बाय कर पाओ, अपने ऊपर मत करो, मेरा ये मानना है कि अपने घर वालों के ऊपर करो, अपने दोस्तों के ऊपर। बट लेकिन अपने ऊपर नहीं करोगे, खुश नहीं रहोगे तो फिर खुश हूं मैं वैसे वाला, जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस गेन कर, फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग, वो तू अगर खुद करेगा तो वो जो एक्सिलरेशन तेरे को मिलेगा वो सिर्फ तुझे स्काई डाइविंग इज नॉट फॉर पैसे, इतने पैसे तो इनकम मेरे पे तो रहेंगे $8,000
दुबई में जाएगा तो 40,000 रुपए तो अभी करा दो, तुम सबको करा दो, चलो को पता है मैं कभी नहीं आता, अभी यंग आता तो नहीं है शायद, वो वाला एक्सपीरियंस है जो मैं और राहुल जो फील कर पा रहे हैं वो तुम्हें विद टाइम पता लगेगा, जैसे जितने बूढ़े होते जाते हैं ना तब धीरे धीरे पता लगता है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, टॉक फॉर योर सेल्फ। नहीं बट पता है इट्स नॉट ऑल अबाउट मैच्योरिटी है ना, वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एज के अकॉर्डिंग नहीं आती। लाइक कभी कभार ऐसा होता है 7 साल के लोगों में भी वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वही मैच्योरिटी लेवल जो उसमें नहीं होगा वो किसी 10 साल के बच्चे में होगा। हिम्मत तू लगा बैठ, बोल बात ऐसी होती है कि पैसे जितने मर्जी कमा लो तुम लोग, उसके बाद उस पैसे को अगर खर्च नहीं करोगे ना, इट्स अ पीस ऑफ पेपर ब्रो। कल दुनिया का कुछ नहीं पता, कल तू उठे ना उठे, जिंदा रहे ना रहे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप जिंदा हो, खुश हो, हेल्दी हो, अपना इन्जॉय करो, खा पी लिया वही अपना है, बाकी सब यही रह जाएगा, तेरे घर गाड़ी। सच बताया तो खाया पिया भी हक दिया जाता है। अबे लेकिन तुझे एक्सपीरियंस तो हो जाता है ना, तू खुश हो जाता है खाना खा के। ये तो है, अब तू खाना खा के कितना खुश होता है। मैं वो खाने से अच्छी चीज़ क्या है, अभी यहाँ के बैठे हैं, यहाँ का खाना अच्छा है, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा है। चलो गाइस बहुत ज्ञान हो गया है, हम खाना खा के मिलते हैं। मतलब भाई पागल है क्या, मतलब ये जो ग्रेवी है देखने में अच्छी लग रही है, कौन सी है? कह रहा है ये चिकन टिक्का मसाले की ग्रेवी है, इसमें चिकन नहीं है। हाँ, तो मैंने बटर चिकन, मैंने कहा एक काम कर, बटर चिकन में से चिकन निकाल, इसमें डाल और इसको स्पाइसी बना और जल्दी दे मेरे को। माय मैन नहीं नहीं ओए उसके हाथ में दे रही हो आप, तू करके देख कोशिश, राहुल मत कर रहे, कोशिश करके देखेगा उसकी मुंडी की अलाइनमेंट, जा जा ठीक कर इसके अलाइनमेंट। दवाई से असर पड़ा तेरे को वैसे अभिषेक? लुक एट हिज एक्सप्रेशंस। ये मत करो, मर जाऊंगा। मेरे को भी मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए, कहाँ चाहिए, मेरे को भी कर दो यार। बेटर लग रहा है, ये तो मसाज हो रही है, अलाइनमेंट थोड़ी ठीक हो रही है। अबे उसको यहाँ से थोड़ा सा मसल बहुत ज्यादा टेंस हो गई है। मजा तो आ रहा है, दुखती दुखती रख पकड़ ली हुई है। शक्ल देखो इसकी, बाकी का ऑफ कैमरा कपड़े उठा। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, आ जाए ना गाइस बढ़िया खाना। कल तो हमने पता नहीं क्या ही खाया था भाई, शक्ल से देख के बता देता हूँ मैं अच्छा है कि बुरा है। आज लेकिन नान में मजा आ रहा है, नान नान कितना लाओ एक और। मैंने सिर्फ नान बोली, उसमें बोलिया बटर नान, फिर उसके बाद में बटर नान कर भाई। टिकट चल रहे हैं ना? हाँ। टिकट पहले बुक करेंगे या हम बाद में बुक करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ अभी चलते हैं ईटन, टिकट ले लेते हैं और अंदर ही चिल करते हैं। अंदर को अगर जाने नहीं देंगे, 10 बजे का शो है, 8 बजे कैसे घुसेगा तू अंदर? 8 नहीं बज रहे पहली बात तो, 8:30 बज रहे हैं, और शो है, और शो है 9:30 का, तो ज्यादा एग्जैजरेट मत कर टाइम को। आफ्टर अ लॉन्ग फोटो सेशन गाइस, फाइनली डॉलरामा की साइड जा रहे हैं, देखते हैं खुला है कि नहीं, थोड़े बहुत स्नैक्स लेंगे और फिर सीधा मूवी देखने जाएंगे। आयुषी को तो पसंद आ गई, किसी को रुकने के लिए नहीं बोलती है घर पे, मैं बोल रहा हूँ लड़की सफाई करती है, उसको मिनिमल वो लो मेंटेनेंस और हाई आउटपुट लड़की है।
बेसिकली इसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का काम करे। अगर भाई समझती है तेरे को भाई भाई है तू भाई श्योर हो एट लीस्ट शी इज गुड टू टॉक टू। ओके ओके अरे अब चाशनी में तो घोलनी पड़ेगी बात बंद है डॉलरामा। बैड लक गाइस डॉलरामा इज क्लोज्ड नो सस्ते स्नैक्स। मैं तो पूरा ऐसे शरीर मोड़ना पड़ता है टेढ़ा मुड़ानी जा रहा है गर्दन पूरा शरीर घुमा घुमा के बंदियां ताड़ रहा है। गाइस फाइनली टिकट्स आर हियर now we're going to watch movie it's my first movie experience in canada we're going to watch avatar and bus show start hone wala 2 minute mein so let's go guys aman to late ho gaya to maine uski ticket and counter pe de di hai jaise hi wo aayega wo andar aa jayega mujhe movie miss nahi karni hai mera first movie experience hai avatar ka aur meri favorite movie hai ye so i'm going to go inside and movie is going to start in 2 minutes so let's go गाइस ये बिरयानी ले आया अंदर बिरयानी लपेटेगा जल्दी से। सो गाइस द मूवी इज फाइनली ओवर एंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट अवतार स्टोरी कुछ इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी बट इतनी कुछ खास भी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू पार्ट वन बट इतनी बुरी भी नहीं थी। एक्शन सीन्स पर अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी इतनी बढ़िया कर रखी है इतने बढ़िया बढ़िया शॉट्स ले रखे हैं मूवी में एंड एक्सपीरियंस के लिए देखो गाइस मूवी और 3D में देखना ज़रूर क्योंकि 2D में मज़ा नहीं आएगा एक्सपीरियंस के लिए यह मूवी है स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है तो देखना ज़रूर एंड बस अब 1:30 बजे हैं सुबह 6 बजे निकलना है हमें नायगरा के लिए सो आई थिंक वी शुड हेड होम। अब पता नहीं सोएंगे या नहीं सोएंगे तो देखते हैं क्या सीन है। ये क्या कर रहा है ओए यूपी का है क्या तू हाँ सड़े का कह रहा हूँ आदि नहीं है गाइस ये गेम्स देख के बच्चे बन गए हैं सारे टोकन चलेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। अरे भाई इसमें से टोकन निकाल पहले इसमें से डाल ऊपर वाले में डाल 3 टोकन कितने मिले हाँ अमन तू मार तू बहुत वो करता है ना देखते हैं कितना स्कोर मिलता है इसका पीछे हो जाओ सारे चलो हड्डी अभिषेक अमन वो वाला मार वो वाला अभी मार नहीं वो वाला नहीं नहीं उसमें गोल नहीं आया 1 2 चेंज चाहिए मेरे पास है चेंज तक इतनी देर से मैं किसके पास कॉइन है किसके पास कॉइन है कर रही हूँ कह रहा है चेंज चाहिए मेरे पास चेंज है नोट डल जाएंगे तो नोट भी तो होने चाहिए कार्ड है हमारे पास नहीं मैं देख रही हूँ होंगे मैं निकाल रहा हूँ चार नहीं छः है नाइस दो डॉलर अब कुछ और खेलते हैं कुछ और मेरी 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 दूसरे वाली हाँ अरे कुछ और खेल लेना हाँ चल दबा दो ऊपर अजीब सा है ना ये फ्लेवर में अभिषेक कुत्ता बना दो मार दो जान से अबे यार नहीं नहीं कहा लगा ऊपर
किक पे लगे नीचे वाले उस पे ऐसे यार। अरे पता क्या से डालना नीचे लग गया है उसके नीचे का पहले उसके नीचे कर ले अब नीचे ओए ले डाल जल जाएगा कोई बात मत क्यों किक मार किक अबे पीछे जान से मार दे किक मार खींच के दे किक मार उसे उसे रुक जा मैं किक खींच के किक मार घुमा दे गाली मंदे यार जूनी गाली दे इसने तोड़ दिया मंदे That's the international student क्या मजदूरी कर करके आई है जो सैम के अंदर मेरे पास सही में और नहीं है ये रे तो कौन सी अरे मेरे पास था पास लेके आते हैं मेरे को एक बार और कैश है लेकिन एक बार मेरे पास पहले उसको कर लेना यार एक ही बचा फिर तुम्हारे पास एक और है नहीं कॉइन ये रे कॉइन और आना अच्छा चल सेकंड ट्रायल पे जा रहे हैं राहुल देखते हैं आपकी बार कुछ माना मारते हैं या नहीं अमन के जितना ओके इश इतना सही था I have one more coin. मैं धक्के मार रही हूँ मैं खुल के नहीं रहा मेरे को परेशान कर रहे हैं क्या कर रहे वाइब ले रहे हैं भाई अपने भाई यहाँ पे भी अपना दिल्ली वाला हाल है राहुल राहुल नरूला राहुल नरूला नरूला क्या इसको पोपाइज इस पोपाइज दिख रहा है बना ली दोस्ती बना लिया फैन बेस मैं उल्टा चल रही हूँ देख लेना ठुक नहीं जाऊँ किसी चीज से क्या कह रहे थे कुछ नहीं कहते आजा पैक लगवा दे मैंने कहा नहीं भाई तुम खाओ पियो एंजॉय करो भाई पोपोज देखते ही पागल हो जाता है लड़का लेविन भूल गया हैप्पी न्यू ईयर पागल हो जाता है बंदा जहाँ पोपोज देख लेता है उसमें एक्साइटेड हो जाता है ऑलवेज डाउन टू इट पोपोज अब $20 का फटाफट नोट लेके जा रहा है कह रहा है चलाऊंगा पोपोज में और इस लड़की ने कभी पोपोज नहीं खाया क्यों नहीं खाया ट्राई करने का सोचा ही अब तो अभिषेक के साथ रही थी रोज पोपोज खिलाएगा ये हाँ भाई क्या क्या चैट कर रहा हूँ किससे ब्रेकअप होने की स्थिति ब्रेकअप नहीं हुआ कुछ क्या हो गया फिर बात नहीं कॉल करूंगा अभी आज सो नहीं सकता मैं आई एम नॉट अलाउड टू स्लीप नाउ वैसे भी सुबह जल्दी उठना है सोइए मैं सुबह जल्दी उठना है आज सो ही नहीं पाऊंगा इससे बात करनी है तब तक सुबह हो जाएगी 4 बजे जगना है मेरे को सुबह नाइग्रा नहीं जाना है मैं तो आ जाऊंगा मैं सोता नहीं सोएंगे नहीं गाइस लगता है आज सुबह डायरेक्ट उठ के ही निकलेंगे अब गाइस ये $20 का फटाफट नोट चलाने की कोशिश कर रहे हैं अब सर्कल के पे आ गए हैं वहाँ चल गया था बट पता नहीं क्या हुआ फिर नहीं चला अब यहाँ पे आए हैं चलाने गाइस इन्होंने ले लिया एनर्जी ड्रिंक अब मुझे नहीं लगता कोई सोएगा सुबह तक और सुबह रोएंगे ये सब मैं तो उठा दूंगा सुबह भाई लेविन उठा दूंगा मैं सुबह देख लियो तेको नींद आ रही है सोएगी बिल्कुल उठे रहे नहीं, नहीं। वैसे तो सोना बेटर है 2-3 घंटे की भी पावर नैप हो जाएगी तो सही रहेगा मैं तो पक्का सोऊंगी मैं देख रही हूँ कैसे सुबह कौन सी बस लेनी है कहाँ से जाना हाँ देख ले चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग थक गए हैं अब देखते हैं सोएंगे या नहीं सोएंगे
सुबह मिलते हैं नाइग्रा फॉल्स में. गुड नाइट, पीस आउट.